गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर में 10 अक्टूबर 2020 को मानसिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक विभाग द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे, उपवैद्यकीय अधीक्षिका लांजेवार, मानसिक स्वास्थ्य विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रशांत टिपले, डॉक्टर मनीषा ठाकरे, डॉक्टर सुधीर महाजन, डॉक्टर प्रांजलि भगत, काउंसलर स्वप्निल तुपे, डॉक्टर लीना देशपांडे, डॉक्टर सोफिया आजाद मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इनके प्रमुख उपस्थिति में आज का विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिन मनाया गया। वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे तथा उपवैद्यकीय अधीक्षिका लांजेवार मैडम इनको मानसिक परिचारिका रजनी मुए इन्होंने मानसिक बीमारी के बारे में तथा उनके विविध प्रकार के बारे में और उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा उन्होंने कहा कि आज का दिन यह मानसिक पीड़ित रोगी को प्रोत्साहित करने और उन्हें वहां से बाहर निकालने और मानसिकता की ओर खींचे चले जाने वाले व्यक्ति को रोकने का दिन है। मानसिक पीड़ित रुग्ण का समुपदेशन किया गया तथा पोस्ट द्वारा जनजागृति की गई। शरीर और मन यह मानवीय जीवन की तो ऐसे मूलभूत अंग है और यह दोनों भी चीजें अगर बराबर हो तो आदमी अपना काम अच्छे तरीके से कर सकती है, वह खुशहाल जिंदगी जी सकता है। परंतु जब कभी इनमें से एक को अगर बाधा निर्माण हुई तो उसका असर मानसिकता पर होता है, उसके वर्तन पर होता है, उसके संबंधों पर असर होता है। मानसिक बीमारी हो जागतिक हेल्थ संस्था के सामने अभी एक बड़ा आह्वान बनने जा रहा है। हमारे भारत में हर 100 आदमियों के पीछे 6 लोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित होने की बात सामने आई है। यह बीमारी कोई भी उम्र में होने की संभावना अब सामने आ रही है। इसके चलते अभी विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO ने चिंता जताई है। अगले 8 सालों में विश्व की प्रमुख 3 बीमारियों से एक बीमारी मानसिक बीमारी होने के संकेत WHO ने दिया है। समुपदेशक स्वप्निल तुपे, इन्होंने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए तथा अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाने के लिए और रखने के लिए आपको एक दूसरे के साथ संवाद होना, बातचीत करना बहुत जरूरी है तथा योगा करना, ध्यान साधना करना, शावर में नहाना, सुबह मॉर्निंग वॉक करना, गाने सुनना, काम में बिजी रखना, मानसिक रोगी को मेडिसिन लेना भी बहुत जरूरी है, यह बताया गया। इस कार्यक्रम को मानसिक विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर मनीष ठाकरे, डॉक्टर सुधीर महाजन, डॉक्टर प्रांजलि भगत, मानसिक परिचारिका रजनी मुए, ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक समुपदेशक स्वप्निल तुपे, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुबोध कुमार खारोड़े और अन्य व नर्सिंग विभाग तथा अधिकारी वर्ग, इसके अलावा मानसिक रोगी भी इस समय उपस्थित थे।